फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे करें, प्लस यहाँ पे एक इशू देखने को मिलता है FB एक्टिव नाम की जो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से बताया जाता है कि आप गेम्स एंड प्ले स्टोर को इंस्टॉल कर सकते हैं इस फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच पे, तो इसमें कनेक्टिंग इशू आता है जैसा कि आप देख सकते हैं कनेक्शन फेल्ड, एंड यहाँ पे ये दिक्कत मुझे तो आ रही है, डेट्स वाई मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो यदि तुम्हें भी सेम इशू आता है तो कैसे, प्लस यहाँ पे हम प्ले स्टोर की बात करेंगे कैसे आप प्ले स्टोर को इंस्टॉल करेंगे इस फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच में, रहना ये वाली, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारी ये वॉच कनेक्टेड है, एंड इसके अंदर जो हमें दिखा रहा है कि 90% इसकी जो बैटरी है अभी, और ये वॉलपेपर्स वगैरह वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तो बेसिक पता ही होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताना चालू कर देता हूँ ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो, अगर आपने जो है यहाँ पे दाब फिट नाम की जो एप्लीकेशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे प्ले स्टोर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे इस वॉच के अंदर कर पाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, दाब फिट जो एप्लीकेशन है, आई होप आपने अब तक तो इसका इस्तेमाल कर लिया होगा। अगर नहीं पता है तो क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है, आप जाओ प्ले स्टोर पर दाब फिट लिखोगे, एंड साथ के साथ यार मुझे ना ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम FB एक्टिव है, तो यार ये ना वॉच के साथ कनेक्ट होता है बट इसमें ही आपको गेम्स मिलती है, ठीक है। इसमें मुझे इशू क्या आ रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी जो है दाब फिट जो है आपको शायद पता ही होगा, मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। तो जो दाब फिट एप्लीकेशन है, आपने इस वाली को इंस्टॉल किया होगा ना, इसका जो है आपको सबसे पहले डिसकनेक्ट करना है ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इस वाली ऐप को ओपन करो, यदि आपने ऑलरेडी इसके अंदर जो है कनेक्शन लिया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे रिमूव पे बटन पे क्लिक करो, एंड इसको जो है रिमूव कर दो। कर देते हो रिमूव तो ये जो है आपकी वॉच डिसकनेक्ट हो गई है, इसको बैक कर दो, एंड यहाँ से तुम अपग्रेड वगैरह भी कर सकती हो, ठीक है, वॉच को। तो यहाँ से हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अभी जो हमारी वॉच डिसकनेक्टेड है, अब आपको जाना है प्ले स्टोर पे, एंड यहाँ पे लिखना है FB एक्टिव, ठीक है भाई लोग। ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको आप इंस्टॉल कर लो। चलो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि इसको जो है जब पहली बार आप इंस्टॉल करोगे तो इसका सेटअप करना कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो है FB एक्टिव नाम की जो 78 MB की एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसी के अंदर जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे जो है ये काम करती है। तो ये सारा कुछ जो है इस तरीके से बैक करते हैं, और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तुम अलार्म ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई लोग। एंड इसको हम जो है थिएटर मोड भी है, रीसेट भी कर सकते हो, अबाउट भी जाते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, एंड ऐप डाउनलोड पे जाते हैं तो यहाँ से जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसका। तो इसको हम बैक करते हैं, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं FB एक्टिव को। तो जैसे आप ओपन कर देंगे, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप रीड कर लें, एंड यहाँ से एग्री कर दें। नेक्स्ट आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करें, देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी ही मिल जाती हैं, सारी ही परमिशंस को आपको अलाउ करना है। IC पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर आपको लॉगिन कैसे करना है। तो यदि आपका जो है ऑलरेडी Gmail ID है तो आप सभी नहीं, अगर आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, लॉगिन एंड विजिटर लॉगिन। तो आप एक काम कर सकते हो, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो शायद ऐसे ही रहता है, आप साइनअप पे क्लिक करेंगे। पहली बार आओगे तो साइनअप पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको एक ईमेल डालनी है और पासवर्ड। हाँ, तो आपको दोनों ही जगह सेम पासवर्ड डालकर इसको कंफर्म करना है। बट मेरे केस में क्या हो रहा था भाई लोग, यहाँ पे मेरा जो है पासवर्ड ही नहीं उठा रहा था जबकि मैं सही पासवर्ड डाल रहा था। तो यदि आपको जो है एक ईमेल डालकर एंड इसका पासवर्ड डालकर इसको साइनअप कर लेना, आपका हो जाएगा। अगर यहाँ से हो जाए नहीं होता है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये देखो यहाँ आ रहा है विजिटर लॉगिन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक कर देंगे लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस तरीके से जो है मेरा सब कुछ दिखा रहा है कि कितना हाइट वेट वगैरह वगैरह, और इस तरीके से आपको सेव कर देना है। अदरवाइज आप जो इनकी पर ये क्लिक करके आप यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है अपने हिसाब से भी रख सकते हैं हाइट वेट वगैरह, ठीक है। सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे यार ये एप्लीकेशन। हाँ, तो इस तरीके से हो गई, अलाउ कर दो एंड टर्न ऑन करेंगे लोकेशंस को, ओके। तो अभी जो है शायद यहाँ पे इस तरीके से आता है होम सपोर्ट डिवाइस माई, तो माई में जाकर यहाँ पे इस तरीके से सारा कुछ दिखा। तो भाई लोग यहाँ पे डिवाइस पे जाओगे तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। पहले ये देखो ऐड डिवाइस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड डिवाइस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आता है ब्लूटूथ परमिशन, आपका जो ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, लोकेशन ऑन होनी चाहिए, एंड फाइंड डिवाइस एंड नियर बाई एंड वॉच ट्रांसफर डाटा अलाउ करो, एंड यहाँ से आ रहा है परमिशन अलाउ कर दो, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो इस तरीके से जो है कनेक्शन दिखाएगा, एंड तो थोड़ा सा वेट करना है, हम यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, एंड नेड़े रखना है आपको वॉच को, ठीक है। तो ये जो है स्कैन दिखा रहा है, देख सकते हो फायरबोल्ट 100 करके जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है, और इसके जो है इस तरीके से जाकर कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं ये इशू जो है मुझे आ रहा है, एंड लोगों ने दावा किया कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप जो है गेम को डाउनलोड कर सकते हैं इस फोन में, सॉरी इस वॉच के अंदर। एंड बेसिकली मैंने प्ले स्टोर लगाया इसलिए ताकि आपको बताना चाहता था
कि भाई लोग प्ले स्टोर को तभी डाउनलोड कर पाएंगे अगर ये कंपैटिबल होगी। तो यहाँ पे रेटरी पे जाते हैं तो देखो बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ बट ये काम नहीं कर रही है, ये कनेक्शन नहीं हो रहा है। इवन मेरी जो है लेटेस्ट वाली है, शायद ये वॉच भी बढ़िया वाली है, तब भी ये इशू आ रहा है। एंड ये चीज़ क्या है, चलो कोई नहीं। एंड इसके अंदर जो इशू आ रहा है, जबकि मेरी ये लेटेस्ट वाली आई थिंक 1400 वाली वॉच है, फिर भी यहाँ पे कनेक्शन फेल दिखा रहा है। दोबारा से क्लिक करते हैं एंड यहाँ से मैं अगर पूछता हूँ तो वाई कनेक्शन फेल्ड, तो कह रहा है कि भाई अगर आपका ये वॉच जो है किसी दूसरे फ़ोन में कनेक्ट होगा उसका ब्लूटूथ ऑफ करो, कोई आईफोन से कनेक्ट है तो उसको ऑफ करो। बेसिकली भाई लोग आपको क्या करना है, अगर आपके दिक्कत आ जाता है वाई कनेक्शन फेल्ड या फिर कनेक्शन फेल्ड, तो ये काम करना कि आप लोग जाकर अपने आप फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसको टर्न ऑफ कर देना। एंड बाकी अगर और फोन से कनेक्टेड है वॉच तो इसको भी ऑफ कर देना। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-4 फोन इकट्ठे रहते हैं तो उसमें ब्लूटूथ ऑन रहता है, तो कोशिश करना कि आप उन सभी फोन्स के ब्लूटूथ ऑफ कर दो, जिससे कनेक्ट करना सिर्फ उसका ऑन रखो, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, बट फिर भी भाई लोग जो है मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे सारे फोन जितने नज़दीक पड़े हैं सबके मैंने ब्लूटूथ ऑफ करके रखे हुए हैं, इवन कोई भी आईफोन भी मेरा कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी ये जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो किन लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, बट मुझे नहीं लगता यार ये जो है मेरी वॉच ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी पुरानी है, न्यू है एकदम, और जो कि लेटेस्ट वाली है। एंड आई थिंक इसकी जो प्राइस मुझे 1400 पड़ी थी प्राइस, तो फिर भी ये जो है इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन फेल दिखाता है, और इसको बैक कर देता हूँ। तो कुल मिला के अगर बात करें दोस्तों कैसे आप इसके अंदर गेम डाउनलोड कर सकते हो, तो यहीं से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो जाओ आप अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो बेसिकली देखो क्या होता है ना, ये वाली जो वॉच आई है फायरबोर्ड की स्मार्ट वॉच, ये जो है इसकी जो मैंने देखी है दो प्राइस रेंज चल रही है। एक तो जैसे कि आपको 1000 रुपये की मिल जाएगी, 800 की मिल जाएगी, और 1200-1500 ये वाली अगर वॉच मिलनी है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई गेम वगैरह आप खेल सकते हो, क्योंकि अगर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो पहले से हैं वो आप बेशक खेल लो, पर न्यू वाली गेम अगर आप इसके अंदर जाओगे तो नहीं डाउनलोड होगी, क्योंकि ये जो वॉच है इतनी भी ज़्यादा जो है डिजिटल नहीं है, मैंने देखा है। और अगर आप जाओगे ना अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, जिसकी प्राइस चल रही 4000-6000-7000, वो वाली वॉच में आप यूट्यूब सारा कुछ इंटरनेट सब कुछ चला सकते हो, इवन कई वॉचेस में तो वो भी सिम भी डल जाता है। तो यार मुझे लगता है ये जो वॉच इतनी ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है, अगर फिर भी कुछ पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा।